जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की चैनल में आपका स्वागत है। जून 2023 प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। 21वां पॉइंट, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो दो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, उनका चुनाव होने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी को लीड करते हैं प्रधानमंत्री, और उसमें जो दो एज ए सदस्य होते हैं, एक लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वो, और एक कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा चुन लिया जाता है। अपनी तरफ से कोई भी एक रैंडमली, इतने सारे मंत्री हैं, किसी भी एक को रैंडमली उठा कर वहाँ बैठा लिया जाता है। ये तीन लोग की एक समिति बनती है, तब जाके मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है। हालांकि जो चुनाव आयुक्त होता है उनकी लिए भी एक कमेटी ही बनती है। चलो, वो जब कोई पॉइंट आएगा तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 23वां पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम 2 बार होनी चाहिए। 24वां पॉइंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? तो आर्टिकल 124, यानी कि 1 का 2, 2 का 4, जस्ट डबल। कौन सा है? 124 किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय के लिए, उच्चतम न्यायालय। 25वां पॉइंट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, लीला सेठ, वो भी न्यायाधीश ही थी। तो उनका संबंध कैसे है, कैसे, कहाँ प्रथम है? तो ये आप कमेंट कर सकते हो। 26वां क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? आर्टिकल 20 और 21। देखो, आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे मूल अधिकार हैं, जब जब आपातकाल लगता है तब तब ये स्वतः निलंबित नहीं होते। निलंबित तो होते हैं, मतलब स्वतः निलंबित नहीं होते। फिर कैसे निलंबित होते हैं? राष्ट्रपति जो है हमारे माननीय, वो एक अधिसूचना जारी करते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 के निलंबन को, तब जाके आर्टिकल 20 और 21 निलंबित होते हैं, अदरवाइज आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों मतलब आपातकाल तो लग गया, आपातकाल के बाद स्वतः निलंबित नहीं होंगे। चलिए, 27वां पॉइंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? देखिए, अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो वहाँ ऐसे आएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के जैसी प्रक्रिया निम्न में से किस ओर के समान है? तभी तो आप एक छोटी सी वो टिक कर पाओगे, इतनी लंबी हेडलाइन थोड़ी देगा। तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, सेम वही प्रक्रिया होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए। अच्छा, मैं जल्दी आपको एक PDF दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो हमारे, वहाँ मैं एक बहुत जल्दी आपको PDF दूंगा, जहाँ सारी उस लिस्ट में सब ऐसे ही हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, और कौन कौन ऐसा है जिसे उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, ऐसे चुना जाता है, ऐसी एक लिस्ट बना के मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। 28वां पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पे कि भारत की संचित निधि पे? तो ये होते हैं भारत की संचित निधि पे, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बताना है, जैसे कि ये तो सेंटर का हो गया संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे जो राज्य का होता है लोक सेवा आयोग, उसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका जो भार है भत्तों का, पेंशन का, वेतन का, वो किस पर पड़ता है? भारत की संचित निधि पर कि राज्य की संचित निधि पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 29वां, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित जो अधिनियम था ये कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 2023 को। 30वां और अंतिम, एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में एक वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है
लेकिन उसका जो नियोक्ता मतलब जिसने उसे नियुक्त किया है बिना किसी उचित कारण के उसे बर्खास्त कर सकता है। तो इस मामले को किसके तहत सुलझाना चाहिए? तो इसे सुलझाना चाहिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के। अच्छा, एक ये पूरा नाम है इसका औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। अच्छा, ये सवाल आपको समझ आया? ये ऐसे है, एक कंपनी है और इसमें कुछ लोग काम करते हैं, कुछ वर्कर हैं, जो उनको लीड करता है यानी कि जो उस कंपनी का मालिक है वो बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकाल देता है, ऐसे व्यक्ति को जो एक साल से ज़्यादा यहाँ काम कर चुका है और बिना किसी कारण के वो बाहर निकाल देता है, तो इससे संबंधित मामला जो है वो किसके अधीन चलेगा? क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।